हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को ईद मुबारक और बिलेटेड हैप्पी मदर्स डे। तो यहाँ पे दिशा ने मेरे लिए एक प्यारा सा मदर्स डे के दिन प्यारा सा एक कार्ड बनाया था। देखिए, उसको जितना आता उसने उतना लिखा था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिनर में बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगे हैं। और यहाँ पे मैंने लगभग सब कुछ तैयार कर लिया है, बस अब मैं लौकी को कद्दूकस करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। तो दिशा को इसके कोफ्ते ही ऐसे ही पसंद है, विदाउट ग्रेवी वो कोफ्ते ही खा लेती है और सब्जी वो कम खाती है इसकी। तो मैं लौकी कोफ्ते बना देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेती है। तो देखिए, यहाँ पे लौकी कद्दूकस हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसके जो लौकी का जूस होता है उसको मैं देखिए ऐसे निकाल दूंगी थोड़ा सा। तो जब इसमें मैं बेसन मिलाऊंगी तो वो ज़्यादा गीला नहीं होगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बैटर अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैं लौकी के जूस को निकाल दूंगी और उस जूस को मैं फेंकूंगी नहीं, उसको मैं जब मसाला फ्राई करूंगी तब मैं उसमें डाल दूंगी, तो वो भी यूज़ हो जाएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऐसे करके सारा लौकी का जूस निकाल दूंगी। तो अब मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने के बाद मैं इसमें हल्दी और नमक डालूँगी और इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूँगी। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, यहाँ पे मिक्स कर लिया है और ये एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके छोटे छोटे गोले गोले कोफ्ते बना के फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, ये ऐसे बन जाएगा अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इन सबको कोफ्तों को फ्राई कर लूँगी। तो ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और दिशा को तो ऐसे ही पसंद है, तो मैं उसको दे दूँगी भी बना के। तो फ्रेंड, इसको मैं ऐसे ही फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ऐसे ही सारे कोफ्तों को फ्राई करके हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद मैं इसका मसाला तैयार करूँगी।
कोफ्ते फ्राई हो गए हैं और अब मैं कढ़ाई यहाँ रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें एक तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा डालूंगी। और इसमें हींग भी डालूंगी थोड़ा सा। उसके बाद में दो हरी मिर्च को चार टुकड़े करके डाल दूंगी, जिससे ज़्यादा तीखा नहीं बनेगा तो दिशा भी खा लेगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर, 2 प्याज और लहसुन लिया है, अदरक नहीं था। तो यहाँ पे मैं प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार करके डाल दूंगी, और उसके बाद मैं टमाटर का भी पेस्ट बना के डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट तैयार किया था, वो डाल दिया है। देखिए अच्छे से भुजा गया है। अब मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से भुजूंगी। और यहाँ पे मैंने मसालों में धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर लिया है, तो मैं इसको भी डाल दूंगी। और मसालों को अच्छे से भूजेंगे। तो ये देखिए मैंने लौकी का जो जूस निकाला था उसको भी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मसाले को भूजेंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाला को अच्छे से भुजा गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें कोफ्ता का बैटर तैयार किया था, उसका भी जो बेसन लगा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अभी मैं कोफ्तों को नहीं डालूंगी, अभी पानी में एक दो उबाल आएगा, जूस आधा पक जाएगा, फिर मैं कोफ्तों को डालूंगी। नहीं तो पहले डालने से क्या होता है ना, कोफ्ते गल जाते हैं और पूरे सब्जी में मिक्स हो जाता है, तो अच्छा नहीं। देखिए यहाँ पे उबाल आ गया है अच्छे से सब्जी में, तो मैं चेक कर रही हूँ। और अब मैं कोफ्तों को डाल के 2-3 मिनट के लिए पका दूंगी, तो जिससे कि कोफ्तों के अंदर भी थोड़ा थोड़ा जूस जो होता है सब्जी का वो चला जाएगा ग्रेवी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। देखिए अभी मैं इसको ढक दूंगी, 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो चलिए 2 मिनट हो गया है, देख लेते हैं। देखिए ये अच्छे से पक गया है और देखिए ये एक भी टूटा नहीं है, सब अच्छे से ही है, गला नहीं है। देखिए तो ये पक चुका है, इसका ऑयल देखिए सब ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी। तो ऐसे लौकी का कोफ्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग लौकी की सब्जी नहीं खाते आप उनको ऐसे कोफ्ता बना के देंगे तो वो आराम से खा लेंगे। और देखिए यहाँ पे मेरा सब्जी तैयार हो गया है, चावल भी हो गया है, इधर मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।